Hey, hello and what is up guys, welcome back to another video. Welcome to Finostar Stocks Trader YouTube channel. So आज हम लोगों ने देखा काफी अच्छा एक sharp gain किया metal sector ने. यहाँ पे बहुत ही ज्यादा gains थे हिंडालको के. अगर आप हिंडालको के charts देखें तो ये 474 का एक high लगाया, फिर वहाँ से correct हुआ. काफ़ी अच्छा निफ्टी मेटल इंडेक्स आज काफ़ी बुलिश मोमेंटम में था एंड बहुत ही अच्छा खासा हम लोगों का पैसा बना टाटा स्टील में. सो आज मैं बात करने वाला हूँ कल के ऐसे तीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो आप कल ट्रेड कर सकते हो और आज के तरह ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो. टाटा स्टील एंड मारुति वर शेयर्ड इन यस्टरडेज वीडियो. अगर आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा. ऑल्सो आज तत्व चिंतन का IPO का लिस्टिंग हुआ, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा. सो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो. एंड जिसको जोमैटो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा. सो आइए अभी बात कर लेते हैं ऐसे तीन इंट्राडे स्टॉक्स और दो पोजिशनल स्टॉक्स जो मैं आज बताने वाला हूँ, जो जल्द ही आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी. सो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक का बटन को दबा देना है. सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं. पहला इंट्राडे स्टॉक्स, इट इज़ फ्रॉम द आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर में जैसे इसका लाइफ टाइम हाई आज बना है निफ्टी आईटी में, तो मेरा पहले का पिक रहेगा एसीएल टेक्नोलॉजीज. एसीएल टेक विल बी माय फर्स्ट पिक फॉर टुमारो. एसीएल टेक में आपको बाय करने की राय रहेगी एट द लेवल्स ऑफ 1010 पे इसको बाय कीजिए. 1010 पे आपको बाई करना है एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1000 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस देना है इसमें. एंड 1010 पे आपको इसको बाई करना है. ये बहुत ही अच्छा खासा कल मोमेंटम आपको ये देके जाएगी. एटलीस्ट 1022 से लेकर 1042 का लेवल्स मुझे यहाँ पर दिखता है. सो माय फुल एंड फाइनल टारगेट विल बी 1042 फॉर ACL टेक्नोलॉजी. ये कल आपको बाई करना है बिकॉज कुछ दिन पहले ACL टेक वॉज एट निफ्टी स्टॉप गेनर, जिस दिन वो करीब 1070 तक आई गेस गया था. तो वो लेवल्स कहीं ना कहीं फिर से ACL टेक रीटेस्ट कर सकता है. एंड ये बहुत ही अच्छा एक मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का बिकॉज आज पूरा दिन ये एक बाइंग मोमेंटम में ही बना रहा एंड इसको नीचे नहीं ले आ पाया बेयर्स. सो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बुलिश के कंट्रोल्स में है, बुल्स के कंट्रोल्स में है. ये बुलिश मोमेंटम में ही रहेगा. कल आपको ACL टेक को बाई करना है द लेवल्स ऑफ 1010 एंड 1000 का आपको स्टॉप लॉस विद द लेवल्स टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट विल बी 1022 1022 का फर्स्ट टारगेट एंड 1042 का सेकंड टारगेट आपको लेके चलना है ACL टेक में. माय सेकंड स्टॉक विल बी फॉल द मेटल सेक्टर. जैसे कि मेटल सेक्टर बहुत ही अच्छा मोमेंटम में है एंड कल ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लगातार यहाँ से जो इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ वेनेसडे से और आज भी बुलिश मोमेंटम में ही रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है हिंडाल्को में एक बहुत ही अच्छा रैली कल आएगी एंड आज का जो बाइंग रैली है वो कल भी कंटिन्यू हो सकती है. तो आपको हिंडाल्को में बाई करके चलना है एट करेंट मार्केट प्राइस. CMPP आपको बाई करना है इसको 460 के लेवल्स पे आपको इसको बाई करना है. अगर थोड़ा बहुत डिप मिले तो आप डिप पे भी इसको ले सकते हैं एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उस पर रखिएगा 447 का. 447 का आपको स्टॉप लॉस रखना है. बाई एट द लेवल्स ऑफ 458 एंड आपको कहीं ना कहीं ये लेवल्स फिर से रिटेस्ट होते हुए दिखेंगे बिकॉज ये आज इंटरडे में यहाँ तक ये टेस्ट किया था. तो अगर यहाँ से भी 458 से भी अगर 478 तक ये जाता है तो आपको अच्छा खासा 20 रुपये का मोमेंटम देके जाएगी कल. तो हिंडाल्को को आपको ट्रैक करना है. मेरा सेकंड पिक रहेगा हिंडाल्को. कहीं ना कहीं आफ्टर ACL टेक हिंडाल्को विल बी माय सेकंड चॉइस. आइए बात कर लेते हैं थर्ड, वो है बैंक सेक्टर पे. क्योंकि अभी मार्केट में रोटेशन चल रहा है तो हम लोगों को हर एक सेक्टर में देखना पड़ेगा. लेकिन बैंक समय मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ बिकॉज बैंक्स कंसोलिडेट अच्छा किया आज एंड कल शायद
अच्छा एक मोमेंटम देके जाएगी। तो मेरा थर्ड पिक रहेगा एक्सिस बैंक। आपको एक्सिस बैंक में अगर ये पैटर्न दिख रहा हो, ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेटिंग पैटर्न है, ये कंसोलिडेटिंग कर रहा है नीचे के लेवल्स पे यार, ये ऊपर जाने के लिए अभी तैयार है। तो एक्सिस बैंक को आपको बाई करना है, थोड़ा सा इसमें नीचे बाई करना है, आपको 712 पे इसको बाई करना है, 705-6 का मेरे को स्टॉप लॉस देना है इसमें। जो आपको स्टॉप लॉस बैठेगा वो करीब करीब 705 का रहेगा, 710 के लेवल्स पे आप बाई कीजिए, 710 से 712 के बीच में, एंड वेट कीजिए फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 723 का आपको टारगेट इसमें इजीली मिल जाएगा। उसके ऊपर अगर ये जाता है तो ये 730 तक भी जा सकता है। तो आपको 20 रुपये का यहाँ पर भी रिवॉर्ड है, नीचे 6-7 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये हो गया गाइस 3 इंट्राडे स्टॉक्स। अभी आइए बात कर लेते हैं निफ्टी की, उसके बाद मैं बात करूंगा 2 ऐसे पोजिशनल स्टॉक्स जो आपको अच्छा खासा मोमेंटम दे के जाएगी विद इन 2 to 3 months। सो यहाँ पे निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी में देखिए अभी आज पूरा एक रेंज बाउंड था निफ्टी, बट ये रेंज बाउंड आई थिंक एक बिगर मूव के लिए ये तैयार हो रहा है, एंड ये किसी भी वक्त 16,000 को क्रॉस करेगी निफ्टी। सो आपको रेडी रहना है क्योंकि इसका नीचे से जो सपोर्ट है, कल भी मार्केट टूट गया, नीचे के लेवल्स आए, नीचे से फिर जो ये सपोर्ट दिखाया, आई गेस कहीं ना कहीं ये एक बायर्स एक्टिव है मार्केट में, अभी भी बुल्स के कंट्रोल में ही है लॉन्ग टर्म व्यू। तो आपको निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम के लिए आपको खेलना है कल। आई थिंक कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए, गैप अप ओपनिंग हुआ एंड उसके बाद भी मार्केट ऊपर ही चढ़ता जाएगा। तो मेरा कहीं ना कहीं पिक रहेगा आईटी स्पेस से, जो पोजिशनल पिक होगा दैट इज टेक महिंद्रा। आपको टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स मैं बताता चलूं, टेक महिंद्रा के जो आज अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पे आपको टेक महिंद्रा के एक्सक्लूसिव रिजल्ट्स के अपडेट मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक महिंद्रा फाइनेंशियल ईयर 2022 Q1 के रिजल्ट्स है, जो उसके इनकम थे, अर्निंग्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 9,730 crores टू 10,190 crores ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू जो है इसका वो 180 crore से 1,350 crore में आया है ईयर ऑन ईयर, एंड इसका जो अदर इनकम है, जो डॉलर आया है इसका, वो भी 22% घट के 287 crores में आया है। तो आपको टेक महिंद्रा में ट्रैक करते रहना है टेक महिंद्रा को। टेक महिंद्रा का आज रिजल्ट्स था, एंड टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत ही एक अच्छा अपसाइड दिखा सकती है। तो आपको टेक महिंद्रा में पोजीशन के लिए खेलना है, इसमें 1100 के लेवल्स पे आपको बाई करना है टेक महिंद्रा को। आप करंट मार्केट प्राइस में भी बाई कर सकते हैं 1120, थोड़ा अच्छा सा डिप मिले तो अच्छा है 1110-1120 में, एंड आप वेट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1200। इसमें 1200 के टारगेट बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा टेक महिंद्रा में, एंड अगर यहाँ से भी ये रैली कंटिन्यू होती है तो इसको 1300 के लेवल्स तक लेके जाएगी। तो आपको टेक महिंद्रा में बाय करके चलने की सलाह होगी फॉर द पोजिशनल व्यू ऑफ 2 to 3 months, बिकॉज रिजल्ट्स इसके जो है बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। माय सेकंड पिक विल बी फ्रॉम द मेटल सेक्टर, दैट इज JSW स्टील, द हैवी वेट JSW स्टील, जिसको आपको पोजिशनल के लिए बाय करना है एट करेंट मार्केट प्राइस 740 के लेवल्स पे आपको JSW स्टील को बाय करना है, एंड वी हैव टू वेट द टारगेट ऑफ 800 के टारगेट्स के लिए आपको JSW स्टील में बाई करना है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 730 के स्टॉप लॉस से आप करंट मार्केट प्राइस में JSW स्टील को बाई कीजिए। आपको नीचे 15 रुपये का एक रिस्क रहेगा, एंड ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छा खासा 70 से 80 रुपीज़ का टारगेट मिल जाएगा। दिस इज विद इन 3 to 4 weeks, ये आपका एक ही महीना में आपको पैसा बन जाएगा JSW स्टील में, क्योंकि निफ्टी मेटल बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। एंड प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे हम लोगों का जो चैनल है दैट इज़ फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर, वहाँ पे मैं डेली के लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। एंड आप ये स्टॉक फॉलो करने के लिए, ये मेरा अपडेट्स फॉलो करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।